ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं। सबसे बड़ा मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है गाइस, वो था आईफोन का जो मुझे लेना था। मैंने आईफोन लिया है यहाँ से 512 GB का, जिसका मैं बॉक्स हूँ अभी मैंने खोल के देख लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेन टेन एंड ऑब्वियसली मैंने एक्टिव करके चेक करना था। मुझे काफ़ी ज़्यादा मन में डाउट होते हैं जब आप आईफोन ले रहे होते हो, और इतना महंगा अगर आप आईफोन खरीद रहे हो दूसरी कंट्री से, आपको फेक ना मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो। बट कुछ सिक्योरिटी चेक्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर फॉलो किए और मुझे आईफोन मिल गया। आईफोन बिल्कुल क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस। और इसके अलावा मैंने यहाँ से लिया है आईफोन के लिए एक मैक्सेफ चार्जर जो मुझे करीब पड़ा 110 दिरहम का, क्योंकि ज़रूरी था लेना। मैंने यहाँ से लिए हैं एयरपॉड्स प्रो जो मुझे पड़े 740 दिरहम्स के आसपास के पड़े हैं अभी, क्योंकि गाइस ये लोग बताते जो प्राइस है आपको, उस प्राइस के अंदर होता क्या है, ये लोग आपको टैक्सेस नहीं बताते हैं। आपको 5% टैक्स लगता है, और अगर आप उसको अपने कार्ड से पे करोगे तो 2.5% उसका और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो, तो वो भी इसके अंदर ज़रूरी होता है आप लोग के लिए जानना। क्योंकि अगर आप लोग वो लोग नहीं पे करोगे तो आपको जो वहाँ से जो रिटर्न होता है, वेट आपका जो रिटर्न होगा वो आपका रिटर्न होता है 4% के आसपास एयरपोर्ट से। उसके बाद मैंने एक बैटरी ली है, बिकॉज मैंने लिया है गोप्रो नाइन जो मुझे लेना था, पता नहीं इसका मैं जब आया था जब इसका प्लान नहीं था, बट अब मैंने ले लिया है तो ले लिया है। ये मुझे पड़ा कुछ 1575 दिरहम के आसपास। उसके बाद मैंने ये लिया, ये मुझे पता नहीं मैंने क्यों ले लिया, लेकिन मुझे बस एक गिम्बल लेना ही था अपने लिए, तो मैंने लिया है DJI OM4। ये करीब 500 दिरहम के आसपास पड़ा, तो इसके प्राइस में ज़्यादा आपको इंडिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, बट फिर भी आप यहाँ से लोगे तो आपको कुछ अमाउंट आपका बच ही जाता है। तो ये सब मैंने शॉपिंग की है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है तो मैं अपने हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं पहले इसको ओपन करता हूँ कि ताकि मेरे पास एक स्टैंड बन जाए। मैंने यहाँ पर DJI OM4 को मैंने ओपन किया है। उसके अंदर आई है ये एक मैनुअल सी किट, टिंटिंग, यहाँ पर बहुत सारे एसेट्स आए हैं इसके साथ में। आपको बता देता हूँ मैं सारे जो एसेट्स हैं ना, मुझे यहाँ पर डब्बे तो मैं लेके जा नहीं पाऊँगा, तो मुझे वो सारे बॉक्सेस तोड़ना पड़ेंगे। तो इसके साथ आया है एक कवर जिसके अंदर मैं अपना Osmo DJI OM4 मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ। इसके बाद एक बहुत ही सही सा फीचर आया है इस पर, मैग्नेट वाला, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मैग्नेट वाला कवर, जो ये मैग्नेट होगी, ये मैग्नेट है यहाँ पे चिपक, तो ये मैग्नेट यहाँ पर होगी और ये मैग्नेट जो है उसमें चिपक जाएगी। मैं भी निकालता हूँ इसको। और उसके बाद टिन टिन ये आया है उसको, गाइस अच्छा अच्छा थोड़ा सा हेवी लग रहा है मुझे, बट मज़ा आएगा यूज़ करने में, और मैं पहली बार कोई गिम्बल यूज़ करने वाला हूँ। इससे ये चालू होता है, जैसे ये देखो चालू हो गया है। फिर ये रोटेट वाला सिस्टम है, वो आल टेल यू फर्दर कि कैसे इसको यूज़ करना है, बट अभी तो मज़ा आ रहा है। फिर ये है मेरे पास एयरपॉड्स प्रो जो कि मैं खोलने वाला हूँ अभी। खुल जा सिम सिम, बहुत सारी यहाँ पर किट्स वगैरह हैं इसके अंदर, जो आपको पता है कि होती ही हैं किट्स को। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ अभी कि एक एक आपको पढ़ के बताऊँ या उसके बारे में बताऊँ, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। वो है अबे बाहर आ जा, बाहर आ जा, टन टन एंड वो है ये एयरपॉड्स प्रो। तो इसके लिए मेरे पास चार्जर भी है अभी यहाँ पर गाइस, मैं थोड़ा कचरा करके रख रहा हूँ पता है मुझे, लेकिन ये मैंने चार्जर लिया जिससे कि मैं अपने एयरपॉड्स प्रो भी चार्ज कर पाऊंगा और फ़ोन भी चार्ज कर पाऊंगा। मैगसेफ चार्जर, आई एम हैप्पी अबाउट इट। हाँ, और ये गोप्रो 9 भी है, इसको हम अनबॉक्स करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर क्यों यार, नेक काम में देरी क्यों, अभी कर लेते हैं। ये है गाइस गोप्रो 9 जो कि मिला है मुझे, मतलब जो मैंने लिया है, सॉरी मिला तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, आप जो भी आपको खुद ही खरीदना पड़ता है। अभी अभी मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया था गाइस, तो बड़ा सेफ़ रहना पड़ेगा क्योंकि मेरा वन प्लस भी मेरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ओके, मैं थोड़ा सा ऐसे ही रफली इसको कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग, तो आई होप आप लोग भी बहुत सारे लोग जो रफली कर दोगे, क्योंकि वैसे भी इस डब्बे को सेव करना कोई मतलब नहीं है, मैं डब्बा अपने पास साथ ले जा नहीं सकता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं बॉक्स लेकर जाऊँगा कस्टम का बड़ा लोचा होता है। तो ये है GoPro 9 का बॉक्स जो मैं यहीं फेंकने वाला हूँ। उसके बाद एक सेकंड गाइस, मैं चेन खोलूँ इसकी। ओके,
मुझे उसका दूसरा हाथ यूज़ करना पड़ेगा, एक मिनट दीजिए। टैन टैन, ये मिला है मुझे GoPro 9 में। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, कैमरा है इसके अंदर जो कि एक्स्ट्रा लेंसेज के साथ होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ये है कैमरा जो आपको, इतना सा कैमरा है गाइस, ये जो भी आपको दिरहम बताया था उतने में मिला है, मुझे फिर से बिल देखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे मिली है USB केबल चार्ज करने के लिए, सॉरी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ये मिली है बैटरी, ये मिली है माउंट है शायद ये, ओके, और कुछ और एसेसरीज हैं यहाँ पे। ओके, तो चार्जिंग केस मुझे इसका नहीं मिला था, थैंक गॉड मैंने एक नया वो खरीद ली थी एक्स्ट्रा बैटरी, तो मुझे चार्जिंग केस उसके बाद मिल गया है। ये बॉक्स तो मैं अपने साथ रखूँगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसको मैं नहीं फेंकूँगा, उसको तो फेंक दूँगा बाहर वाले को। और ये है एक मुझे एक्स्ट्रा जो मैंने बैटरी ली है, तो यही सामान मैंने लिया है गाइस, अच्छा लग रहा होगा आई होप। ये मैंने अपने आपको बर्थडे गिफ्ट दिया है, मेरा बर्थडे आने वाला है। थैंक यू वेरी मच आप सब इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो ये है मेरा ड्रीम फ़ोन जो मैं ओपन करने वाला हूँ, iPhone 12 Pro Max, और ये है 512 वर्ज़न जो कि गाइस मैंने एक्टिवेट कर लिया। मैं झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों से, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार बॉक्स ओपन करके। बॉक्स के अंदर ये फ़ोन आता है जिसको मैंने फिर से चिट लगाई है, वो मैं निकाल के बताऊँगा क्योंकि मुझे गार्ड लगवाना ज़रूरी था। एक USB केबल आई है जो आपको पता है कि USB केबल बहुत ज़रूरी होती है सबके लिए। एंड उसके बाद ये कुछ किट्स वगैरह हैं इसके अंदर, कुछ डिटेल्स दिए हैं, इसके अलावा डब्बे के अंदर कुछ नहीं है। मैं रिस्क लेके सिर्फ आईफोन का डब्बा लेके जाने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाऊँगा। आई होप मुझे आईफोन के डब्बे पे नहीं रोका जाएगा, बाकी सब मैं देखता हूँ कि मैं क्या लेकर जा पाता हूँ या नहीं। तो ये मिलेगा मुझे फ़ोन, और मैं अगर फ़ोन को ओपन करूँ तो अब मैं इसको ओपन कर ही लेता हूँ यार। ओके ओके ओके, मैं इसको ऐसे नीचे रख के ओपन करता हूँ एक बार, आप लोगों को दिख जाए। तो ये मैंने हटा दिया, मैंने ये एक्टिवेट कर दिया था गाइस, इसलिए इसमें आ रही है। और मुझे उसकी बैटरी भी चार्ज पे लगानी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। उसके पास मेरे पास ये चार्जर भी है, मैंने ये भी चार्जर लिया है, तो गाइस यू कैन सी थ्रू इट। अब इसके अलावा मेरे पास एयरपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एंड बाकी सब चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच गाइस। देखो गाइस कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज़ नया नया सा मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ, तो प्लीज़ जाके मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं पोस्ट करने वाला हूँ, थोड़े बहुत गैजेट्स तो मैंने ले ही लिए हैं। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है खुद को, जो मैं अपने आपको बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ। आप सब ऐसे ही टच में रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग, मेरा नहीं अपना ब्लॉग यार, अपना ब्लॉग आप देखते रहिए, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं पोस्ट करूँगा, और आप मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियोज़ किस चीज़ पर देखना चाहते हैं और क्या उसके अंदर फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी नया नया हूँ तो थोड़ा कच्चा हूँ, थोड़ा पकने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड दिल से। तो मेरा दुबई आना ऑलमोस्ट सफल लग रहा है मुझे अभी तक, बहुत सारी चीज़ें मैं ले लिया, आई एम हैप्पी अबाउट इट। घर पर थोड़ी सी डांट ज़रूर पड़ेगी बट दैट्स ओके, चलता है ये। कुछ अपने लिए करूँगा, कुछ आप लोगों के लिए करूँगा, जब भी तो हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। सैमी क्रूज इज लॉगिंग आउट, अस्ता ला विस्ता बेबी।